मॉर्निंग एवरीबडी, माई सेल्फ गिरिराज प्रसाद अग्रवाल, मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लेकर हाजिर हुआ हूँ। आशा है आप मेरा वीडियो शुरू से अंत तक पूरा ध्यान से देखेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आपको यह मेरा वीडियो आज का पसंद आएगा। देखिए, आज का बिंदु हमारा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सबसे पहले हम इसके अर्थ की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है पूर्ण सतत भूतकाल। परफेक्ट यानी पूर्ण, कंटिन्यूअस है सतत, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पूर्ण सतत हो गया, तो कुल मिला के अर्थ की दृष्टि से पूर्ण सतत भूतकाल। अर्थात इस टेंस के अंतर्गत हमें कार्य के प्रारंभ होने का समय वाक्य में दिया होता है कि वाक्य कार्य कब से प्रारंभ है। चल रहा है, चल रहा था, चल रहा होगा, ये प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर पर डिपेंड करता है कि है मैं प्रेजेंट, चल रहा था पास्ट, और रहा होगा तो फ्यूचर आएगा। लेकिन कब से, इस बात को ध्यान करें कि कार्य के प्रारंभ होने का समय कब से प्रारंभ है, तो वो दिया रहता है विशेष रूप से। तो देखिए, इस टेंस में पहचान दिए, किस प्रकार से पहचानेंगे, वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि शब्द आते हैं। यानी कि से रहा था, इसमें बीच में डैश लगा हुआ है, आपको देखिए डैश लगा हुआ है, आप देखेंगे ये वाला, ये डैश इस बात का संकेत है कि से जो आता है वो बीच में आता है, और रहा था, रही थी, रहे थे ये शब्द वाक्य के अंत में। तो से रहा था, से रही थी, से रही थी, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हैड बीन का यूज करते हैं, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, और विशेष रूप से जो इस टेंस के लिए प्रयुक्त हुआ है यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए, कि इस टेंस में समय से पहले सेंस अथवा फॉर का यूज करते हैं। जो इनडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, इन तीनों में इसका यूज नहीं होता, केवल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंस फॉर का यूज हम करते हैं। तो समय से पहले क्या लगाएंगे, सेंस फॉर, इसके बाद में आएगा टाइम। तो अर्थात समय से पहले हम सेंस अथवा फॉर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, वह 5 बजे से पुस्तक पढ़ रहा था, तो आप देखेंगे ये से आ रहा है, ये हमारा बीच में आ रहा है, और रहा था क्या आ रहा है, एंड में आ रहा है। तो से और रहा था बीच गैप लग गया ना, इसलिए हमने डैश का यूज किया। वह 5 बजे से पुस्तक पढ़ रहा था। हम 5 दिनों से अंग्रेजी सीख रहे थे। दूसरा वाक्य, हम 5 दिनों से, यहां पर भी से जो दिया है मिडिल में आ रहा है, और रहे थे एंड में आ रहा है। तो इस प्रकार से आपके समझ में आया होगा कि इस टेंस के अंतर्गत से रहा था, जो से तो आता है बीच में, और रहा था, रही थी, रहे थे ये आता है अंत। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो से शब्द दे रखा है, इसके पहले वो टाइम चाहिए, समय। 5 दिन, 5 दिनों से यानी 5 डेज समय हो गया, यहां पर 5 बजे से 5 o'clock, तो से के पास समय चाहिए। तो पहचान, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, हेल्पिंग वर्ब हेड बीन, मैन वर्ब बी वन प्लस आईएनजी, सिंस फॉर प्लस टाइम, और जो स्ट्रक्चर जो होता है हम जानते हैं कि सभी में समान होता है, केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, इसके बाद में हम हेड बीन का यूज करते हैं, फिर इसके क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं, फिर इसके ऑब्जेक्ट, प्लेस, सिंस फॉर और टाइम।
इस क्रम से हम शब्दों को जमाएंगे, लेकिन हमें साथ में ये भी देखना है कि सिंस का प्रयोग कब करते हैं और फॉर का प्रयोग हम कब करते हैं। ये स्पष्ट अंतर समझ में आना है कि सिंस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए यहां पर देखा है पॉइंट ऑफ टाइम, समय का बिंदु। अब समय का बिंदु फिक्स होता है, जो भी समय वो फिक्स होगा, बजे, वार, महीने का नाम, सन, सुबह और शाम। तो देखिए बजे, वार, महीने का नाम, सन, सुबह, शाम, ये पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं और इसके हम सिंस का यूज करते हैं। जो पीरियड होता है, पीरियड ऑफ टाइम, तो पीरियड मतलब लंबी अवधि को माना जाता है, चाहे वो एक मिनट से कितने भी समय के लिए ले, वो लंबी अवधि होती है। जैसे इसमें समय संकेत होता है घंटे से, दिनों से, महीनों से, वर्षों से और सप्ताह। तो जहां हमें लंबी अवधि को शो किया जाता है वहां पर फोर का यूज करते हैं, और जहां पर समय का बिंदु आता है वहां हम सिंस का यूज करते हैं। तो ये बातें हमको स्टेंथ पर ध्यान रखनी है। स्ट्रक्चर के आधार पर हमने वाक्य बनाया है। पहला, वह 5 बजे से पुस्तक पढ़ रहा था। सब्जेक्ट हो गया हमारा ही, शायत्रीय हेडविन, पढ़ना के रीड होता है, रीड में हमने क्या जोड़ दिया आईएनजी। क्या पढ़ रहा है एबो, कब से 5 बजे से, तो बजे सिंस में आ रहा है, हमने यहाँ पर सिंस 5 o'clock। तो ही हैड बीन रीडिंग ए बुक सिंस 5 o'clock। दूसरा वाक्य, हम 5 दिनों से अंग्रेजी सीख रहे थे। तो 5 दिन की अवधि लंबी होती है या नहीं होती है? 5 दिन बहुत लंबे होते हैं, तो लंबी अवधि को शो करेंगे तो अपने आप ही फोर का यूज करेंगे। तो हम 5 दिनों से अंग्रेजी सीख रहे थे। क्या सीख रहे थे? अंग्रेजी। तो इंग्लिश तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, सीखना का अंग्रेजी लर्न, तो अब ट्रांसलेशन बनेगा वी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 days। क्या रहा है? वी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 days। हम 5 दिनों से अंग्रेजी सीख रहे थे। इस प्रकार से हम साधारण जो वाक्य होता है, इट मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस, इसकी हम रचना करते हैं। और जो स्ट्रक्चर मैंने दिया है वो भी हमारा किसका था? अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव से नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए हमें सेंटेंस में क्या करना पड़ता है, इसके लिए हम कुछ रूल्स देखेंगे जो पहले ही बताए जा चुके हैं, थोड़ा सा चेंजेज है, तो अब देखेंगे। सबसे पहले मैं आगे बढ़ूं, इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें, ताकि पूरा बोर्ड आपको दिखाई दे रहे फिर लिख सके या फिर आप इसको उतार। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये बातें आपके समझ में आ रही है। अब इसके बाद हमें क्या करना है? रूल्स। और क्या होते हैं हमारे रूल्स, ये भी हमें ध्यान रखना है। किन रूल्स को हमें फॉलो करना होता है जो ज्यादा नहीं है, तो यहां पर हम डालेंगे रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। इसके अंदर मैं 3 रूल्स तो आपको बता ही चुका, 3 रूल्स जो मैं आपको बता चुका, कि वो 3 बातें जो सभी प्रकार के वाक्यों में यूज ली जाती है। एक तो पहला तो है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हेडविन का यूज करते हैं, सबको मालूम है। दूसरा, क्रिया में हम आईएनजी जोड़ते हैं। और तीसरा, समय से पहले सेंस अथवा फॉर का यूज करते हैं। तो ये 3 मैं आपको बता चुका, स्ट्रक्चर में लिख दिए। अब नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करते हैं?
देखिए नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट बीन का यूज करते हैं। हैड नॉट बीन का यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में किसका यूज करते हैं? हैड नॉट बीन का यूज करते हैं। दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, में सब्जेक्ट से पहले हेड तथा सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज, सब्जेक्ट के बाद बीन का यूज करते, हैं। इंटरोगेटिव हो गया सब्जेक्ट से पहले हेड तथा सब्जेक्ट के बाद बीन का यूज करते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या करते हैं? इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेड तथा सब्जेक्ट के बाद नॉट बीन का यूज करते हैं। नॉट बीन का यूज करते हैं। ये आपके तीन रूल्स हैं। नेगेटिव में क्या किया जाता है? सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हेड नॉट बीन का यूज करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेड तथा सब्जेक्ट के बाद बीन का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट, यदि हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव है, प्रश्नवाचक नकारात्मक, तो सब्जेक्ट से पहले हेड और सब्जेक्ट के बाद नॉट बीन का यूज हम करते हैं। और क्वेश्चन वर्ड का रूल तो आपको मालूम है ही, कई बार बताया है कि यदि हमें क्वेश्चन वर्ड का यूज करना होगा तो वह क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब से पहले आता है, यानी हम क्वेश्चन वर्ड को हेड के पहले हम लगाते हैं। तो ये हमारे रूल्स थे। अब नेगेटिव का एक एग्जांपल देता हूं। मैं सोमवार से गृह कार्य नहीं कर रहा था, ठीक है, मैं सोमवार से गृह कार्य नहीं कर रहा था। सब्जेक्ट क्या हो गया? आई क्या लगा देंगे? हैड नॉट बीन, आई हैड नॉट बीन डू, करना ही डू होती है, डूइंग होमवर्क, आई हैड नॉट बीन डूइंग होमवर्क। अब सोमवार, वार किसमें आता है? सिंस में, तो यहां पर लगा देंगे हम सिंस मंडे, सिंस के साथ यहां पर क्या लगा देंगे? मंडे। इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस में हेड नॉट बीन का यूज करते हैं। आगे बढ़ेंगे, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वहां पर क्या करते हैं? अभी रूल्स में बताया था, कर्ता से पहले हेड और कर्ता के बाद बीन। जैसे क्या तुम फुटबॉल मैच
फुटबॉल मैच, क्या तुम फुटबॉल मैच 2 घंटे से देख रहे थे? देख रहे थे, इंट्रोगेटिव मार्क्स, क्या तुम फुटबॉल मैच 2 घंटे से देख रहे थे? कब से चल रहा है? 2 घंटे से। तो 2 घंटे लंबे होते हैं तो सिंथ लगाएंगे 4, आपका भी जवाब आना चाहिए, क्या लगेगा? 2 घंटे की अभी लंबी होती है तो सिंथ लगाएंगे 4। चलो मैं ही बता देता हूं, इसके लिए 4 का यूज करें। तो हेड यू बीन वॉचिंग, देखना है तो वॉच, वॉचिंग ए फुटबॉल मैच, ए फुटबॉल मैच फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। इंटरोगेटिव मार्क्स आ गए, क्या तुम फुटबॉल 2 घंटे से देख रहे थे? नेक्स्ट, क्या किसान अक्टूबर से, क्या किसान अक्टूबर से खेत में बीज बो रहा था? खेत में बीज नहीं बो रहा था, नेगेटिव कर दिया, नहीं बो रहा था। तो क्या किसान अक्टूबर से खेत में बीज नहीं बो रहा था? इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, तो हेड फिर द फार्मर आ जाएगा, हेड द फार्मर, फिर नॉट बीन, कर्ता से पहले हेड और कर्ता के बाद नॉट बीन, हेड द फार्मर नॉट बीन। बोना क्या होती है? शो, एस ओ डब्ल्यू, एस ओ डब्ल्यू आई एन जी, शोइंग सीड्स इन द फील्ड। इस प्रकार से नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं। आपके समझ में आया होगा, क्वेश्चन वर्ड का यूज हम करते हैं, यदि वह क्वेश्चन वर्ड वाक्य बीच में होता है तो हम क्वेश्चन वर्ड का यूज भी करते हैं, लेकिन वो कोई विशेष नहीं। जैसे वे 2 वर्षों से, वे 2 वर्षों से क्या कर रहे थे? वे 2 वर्षों से क्या कर रहे थे? अभी क्या शब्द बीच में आ गया, यहां पर क्या शब्द शुरू में आ रहा है, वहां पर खा रहा है बीच में, तो क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो क्वेश्चन वर्ड का यूज हम करते हैं। और क्या शब्द के अंदर मानते हैं? वाट, वाट लगा दिया, फिर हेड आ जाएगा, सब्जेक्ट दे, और इसके बाद में बीन, डूइंग, फॉर 2 इयर्स, 2 इयर्स। तो वाट हैड दे बीन डूइंग, What had they been doing for 2 years? वे 2 वर्षों से क्या कर रहे थे? अब बताइए, चारों प्रकार के वाक्य मैंने स्ट्रक्चर के अनुसार आपको ट्रांसलेट करके बताया, रूल्स भी लिखवाए, स्ट्रक्चर भी लिखवाया, अब क्या है इसके अंदर? कोई विशेष बात नहीं है, आपके टेंस समझ में आया होगा, अगर नहीं आया हो तो कमेंट्स लिखें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।